नमस्कार दोस्तों, पूरे देश की जनता के बीच जानने की उत्सुकता है कि आखिर कौन होगा यूपी का मुख्यमंत्री। इसी बीच हम आपको बता दें कि कल होगा यूपी के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह। भाजपा आज शाम लखनऊ विधायक दल की बैठक में करेगी यूपी सीएम के नाम की घोषणा। मुख्यमंत्री के लिए अभी इन दिग्गजों के नाम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह का नाम सीएम पद के लिए सबसे आगे है। भाजपा के वरिष्ठतम नेता और दो बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में गाजियाबाद से सांसद और यूपी के अंतिम भाजपा मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इन्होंने यूपी चुनाव में 120 से ज्यादा रैलियां भी की है। सतीश महाना, यह लगातार 6 बार विधायक रहे निर्विवादित नेता हैं। इनको विशेष विमान से दिल्ली बुलाया गया था। इन्हें लेकर अमित शाह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलवाने गए थे। केशव प्रसाद मौर्य, जाहिर है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का फोकस यूपी में करीब 54% वोटर वाले ओबीसी मतदाताओं पर रहेगा। ऐसी स्थिति में ओबीसी बिरादरी से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य की सीएम पद के लिए दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है। दिनेश शर्मा, ये लखनऊ के मेयर और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। दिनेश शर्मा की संघ से लेकर पार्टी के अलग अलग गुटों में काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से दिनेश शर्मा की करीबी के चलते ही इन्हें गुजरात के पार्टी प्रभारी जैसी अहम जिम्मेदारी दी गई। श्रीकांत शर्मा, यूपी चुनाव में राष्ट्रीय मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाली। श्रीकांत शर्मा को अमित शाह और जेटली का करीबी माना जाता है। योगी आदित्यनाथ, पार्टी के फायर ब्रांड नेताओं से एक योगी आदित्यनाथ का नाम पूर्वांचल की राजनीति में अहम माना जाता है। उनकी छवि का इस्तेमाल पार्टी ने इस बार चुनावों में भी जमकर किया। मनोज सिन्हा, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी मनोज सिन्हा उस पूर्वांचल से आते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा फोकस रहता है। पीएम बतौर रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के काम की तारीफ भी कर चुके हैं। माना जा रहा है कि भाजपा राज्य में मुख्यमंत्री के साथ साथ दो उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने पर भी विचार कर रही है। इनमें एक पिछड़ी और एक अगड़ी जाति का डिप्टी सीएम होगा। इसके पीछे वजह है कि बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव की रणनीति का भी ध्यान रखना है।